इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय नौ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय नौ। शिबा की रानी का सुलेमान का दर्शन करना। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मनी से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न थी कि वह उसे न बता सके। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उसकी प्रतीति न की, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मनी दिए। जैसे सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपिर से सोना लाते थे वे चंदन की लकड़ी और मनी भी लाते थे और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गवये के लिए विनाय और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में न देख पड़ी थी और शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। सुलेमान का महात्म्य और मृत्यु। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किक्कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे और राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढाले बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढाले और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगा और राजा ने उनको लबानोनी बन नाम भवन में रख दिया और राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पायदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े हुए थे और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग में एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी बन नामक भवन के सब पात्र की चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कुछ हिसाब न था क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के तर्शीश को जाने वाले जहाज थे और तीन वर्ष
के बाद वे तर्शिश के जहाज सोना चांदी हाथीदांत बंदर और मोर ले आते थे। यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र वस्त्र शस्त्र सुगंध द्रव्य घोड़े और खच्चर ले आते थे और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4,000 थान और 12,000 सवार भी थे जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा और वह महानद से ले पलिश्तियों के देश और मिस्र के सिवान तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था और राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुल्लरों का सा हो गया और लोग मिस्र से और सब देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नाता नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इद्दो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।